नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश राघव, हापुड़ डिफेंस एकेडमी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में इंडियन एयरफोर्स के लिए कीर्तिमान रिजल्ट हर बार देने में सफल और सक्षम रहा है एसडीए डिफेंस एकेडमी। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमारे पास में 42 विद्यार्थी थे, जिनमें से 40 लड़के इस समय पर अपने पीएसएल का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 40 लड़के हमारी तरफ से सेलेक्टेड हैं। प्यारे बच्चों, अभी अपने पास में दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, एक बार इनसे भी जानेंगे। बेटा, आप कहाँ से आए और यहाँ किस तरीके से आए, कैसे आपको पता चला? सर, मेरा नाम ऋषि रमन है और मैं यूपी में मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आया हूँ। पिछली बार मेरा भाई, बड़ा भाई पीयूष सैनी, वो आप ही के पास से फेज टू की तैयारी की थी उसने, और वो सिलेक्टेड है। उसी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मोटिवेट किया। जी, बहुत बढ़िया। आप बेटा, आप कैसे आए? सर, मैं गया जिला बिहार से हूँ। सर, मैंने आपकी वीडियो को फॉलो किया सर, उसे देखकर लगा कि आपकी बातों में रियलिटी है सर, सच्चाई है सर। डेट्स वाई मैं आज यहाँ हूँ सर, आपके एकेडमी में ज्वाइन किया हूँ सर। और ज्वाइन करके मेरे अंदर जो जीडी की डर थी ना सर, वो बिल्कुल ही निकल गई है। अब मैं कर सकता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। गुड गुड। मतलब सब कुछ व्यवस्था कैसे? ओके सर, एकदम फैंटास्टिक है सर, नंबर वन बोल सकते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं बिहार के वैशाली जिले से हूँ। सर, मैं आपको यूट्यूब के जरिए जाना हूँ। सर, मुझे पहले लगता था कि मैं जीडी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बस यहाँ, बट यहाँ पे आने के बाद लगा कि अब जीडी क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पे फिजिकल ग्राउंड, फिजिकल टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी भी है। थैंक यू। और मैं आपको बता दूँ, जैसे अपने पास में बच्चे आए थे, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऑटोमेटिक यानी कि पहले से ही बहुत अच्छे होते हैं, और हालांकि बच्चे तो ये सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी पहले दूसरे दिन बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि हम अननोन प्लेस पे आए हैं, पता नहीं सब कुछ कैसा होगा। लेकिन आज हमें बताते में आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस में परफॉर्म कर पा रहे हैं, और ये बात 100% है हमारी तरफ से कि 100% ये बच्चे अपना फेस टू क्लियर करेंगे। और इनके आने वाले समय के लिए भी इनके लिए शुभकामनाएँ हैं कि निश्चित तौर पर ही देश के लिए गौरवान्वित पल महसूस कराएंगे भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है इंडियन एयरफोर्स के फेज टू के लिए। जो भी बच्चे अभी इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड या एनडीए का एग्जाम देकर के घर पे आए हुए हैं, प्यारे बच्चों, अब देरी ना करें, आपका नया बैच 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है एसडीए डिफेंस अकेडमी में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।